जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इंडियन बजरंग लवर चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप देखते रहें। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान, आप देख रहे हैं इंडियन बजरंग लवर चैनल। फिर से हाजिर हुआ हूं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपके बर्ड का पेट खराब है और वो कुछ भी खाता है, सीड्स या सॉफ्ट फूड, तो उगलने लगता है, वो चोंच में से कुछ भी चीज़ खाना जो भी खाता है तो वो बाहर निकालने लगता है, उगलने लगता है, तो उसका जो पेट ख़राब हो जाता है, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और कोई मेडिसिन नहीं बताऊंगा, बस एक घरेलू नुस्खा होगा वो बताऊंगा। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है दवा लेने की, बस आपके घर में वो चीज़ मिल जाएगी आसानी से और आप उसका इलाज कर सकते हैं 2 दिन के अंदर। तो बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, वो आप इस वीडियो में पूरा देखिएगा, आपको वीडियो समझ में आएगी। आप तो कहीं मत जाइएगा दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है, बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए इंडियन बजरंग लवर। हेलो व्यूवर्स, इंडियन बजरंग लवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों, और ये वीडियो सिर्फ बजीज के लिए नहीं है, और लवबर्ड, कॉकटेल, फिंचेस, कोई भी बर्ड है, ये सबके लिए वीडियो है। और ये इलाज जो मैं बताऊंगा ये सभी बर्ड्स के लिए है। तो सबसे पहले बात करूंगा कि बर्ड्स का पेट ख़राब क्यों हो जाता है और वो क्यों उल्टी करने लगता है और खाना क्यों छोड़ देता है। तो देखिए, जब अब सबसे जो मेन बात है वो सॉफ्ट फूड की वजह है। अगर आप सॉफ्ट फूड हर वक्त केज के अंदर रखा रहने देते हैं 24 घंटे, तो उनका पेट ख़राब होने लगता है। सॉफ्ट फूड 15 से 20 मिनट के अंदर वो ख़त्म करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा तक सॉफ्ट फूड रखा रहे और वो ख़त्म कर दो सॉफ्ट फूड को पूरा, तो बस वहाँ तक तो वो ठीक है, उनका पेट ठीक रहेगा, कोई बात नहीं है, उनकी कुछ सेहत का कोई असर नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा उनकी सेहत को। अगर 24 घंटे अगर 5 से 6 घंटे तक सॉफ्ट फूड रखा रहता है तो वो बासी होने लगता है और उसकी जो तासीर होती है वो ख़त्म होने लगती है, उसकी ताजगी जो होती है सॉफ्ट फूड की वो ख़त्म होने लगती है और वो बासी हो जाता है। अब वो चीज़ जो ख़राब होगी तो उनके पेट में जाएगी, तो वो नुकसान देती है उनके पेट को, तो इसी वजह से दोस्तों उनका पेट ख़राब होता है और वो कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो उगल देते हैं। जब पेट ख़राब होता है तो उनका खाने का किसी भी चीज़ का मन नहीं करता, ना वो स्वीट खाएंगे, ना वो कोई भी किसी भी तरह का सॉफ्ट फूड खाएंगे। तो जब पेट ख़राब होगा उल्टी करेंगे, तो वो अगर ब्रीड करने वाला भी होगा बर्ड तो ब्रीड नहीं करेगा, तो उसका मूड ब्रीड की तरफ से हट जाएगा और वो सिर्फ सुस्त हो जाएगा और सुस्त होकर एक तरफ बैठा रहेगा और आप परेशान होंगे कि हमारे बर्ड्स को क्या हुआ, बीमार हो गया। और अब फिर आप मेडिसिन देखते हैं कि मेडिसिन क्या करें, क्या क्या वजह है। तो बस कमेंट्स भी आए थे वीडियो पे, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पे, कि हमारे बजीस उगल रहा है, उल्टी कर रहा है, पेट ख़राब है, तो इसका इलाज क्या है, मेडिसिन क्या है। कोई मेडिसिन नहीं है दोस्तों, बस एक आपको मैं बहुत अच्छा इलाज बताऊँगा, घरेलू इलाज, और सिर्फ आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। और अब बात करेंगे दोस्तों इलाज हमें कैसे करना है उसका। तो सबसे पहले हम लेंगे ज़ीरा। ज़ीरा आप जानते होंगे, ज़ीरा जो घर में इस्तेमाल होता है, ज़ीरा आपको लेना है 1 चम्मच। जो आप पानी का जो पॉट जिसमें पानी आप पिलाते हैं, आप उस पॉट में उतना पानी ले लें, 1 गिलास में या किसी भी चीज़ में आप 1 पॉट वाला जो जितने पॉट में पानी आता है उसमें पानी ले लें 1 गिलास में। तो आप 1 चम्मच उसमें ज़ीरा डालेंगे और 1 चम्मच काला नमक और आधा नींबू उसके अंदर डाल देंगे, आधा नींबू निचोड़ कर उस पानी में, उस गिलास में आधा नींबू निचोड़ देंगे और आप उन तीनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे चम्मच से घोल कर और उस पानी के पॉट में पिलाएंगे। और वो तीनों चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये तीनों चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये ज़ीरा खुला हुआ किस तरह का होता है, ये वाला, ये देखिए आप, ये इस तरह का ज़ीरा होता है, ये लेना है। और काला नमक भी आपको दिखा देता हूँ, काला नमक ये ऐसा पिसा हुआ, ये काला नमक लेना है, ये देखिए आप, पिसा हुआ काला नमक, साबुत ना लें, ये वाला पिसा हुआ काला नमक लेना है। और ये नींबू, नींबू आप जानते होंगे, नींबू तो उस पानी के पॉट में आपको अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप उसको 2 दिन तक 3 दिन तक पिलाएं, 2 दिन में ही वो बर्ड्स अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बहुत फ़ायदा होगा। आप 2 से 3 टाइम उसको रखा रहने दें, 2-3 घंटे तक उसको रखा रहने दें और प्यासा करके पिलाएं। प्यासा रखेंगे तो वो बर्ड्स जल्दी से पिएगा। और ये सबको पिला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो बीमार है, जो उल्टी कर रहा है या खा नहीं रहा, आप उसको अलग करके पिलाएं, ये सबको पिला सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है किसी बर्ड्स को।
तो आप इसको सभी को दे सकते हैं ये चीज़, तो इंशाल्लाह जल्दी से बर्ड्स आपका ठीक होगा। तो ये इलाज है दोस्तों, आपको वीडियो आपको समझ में आ गई होगी इस किस तरह से इलाज करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। इजाज़त दीजिए दोस्तों, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखिए। मिलते हैं अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।